नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 9वीं की छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। उसने छात्रा के कई वीडियो फोटो भी खींच लिए। उसे धमकाता था किसी को कुछ बताया तो उन्हें वायरल कर देगा। एक साल बाद वह फोटो और वीडियो छात्रा के परिजन की नजर में आ गए, तब उसके घर में बवाल हो गया, राज खुल गया। इसका पता चलते ही बदमाश टीचर घर से भाग निकला, जिसकी परिजनों ने शिकायत थाने पहुंचकर की। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाटीपुर थाना क्षेत्र पर एक मामला कल हमारे संज्ञान में आया, उसमें FIR भी दर्ज कर दी है। एक साल पहले जब लॉकडाउन था, एक 12 वर्षीय बच्ची कोई प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाती थी, और जो ट्यूशन पढ़ाने वाला बीटेक स्टूडेंट, मतलब वो भी स्टूडेंट था, बीटेक किया हुआ था, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो उसको प्राइवेट ट्यूशन देता था घर पे बुला के। तो उसी दौरान बच्ची को उसने, बच्ची के साथ गलत हरकतें की, उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए, जिनको उन्होंने बाद में घर वालों को ब्लैकमेल करने के पर्पज़ से उसने घर वालों को भी भेजे। उसमें हमने पॉक्सो एक्ट और 376 में एक FIR दर्ज कर ली, और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करके उसमें गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।